नमस्कार दोस्तों, मैं सिंखोरी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई आज बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, इलेक्ट्रिसिटी। वही देखिएगा, चार्ज एंड करंट में लगाने आ गया हूं आपके। भाई एक चीज कॉमन फैक्टर आपका आता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आता। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो बताई थी कि सर यहाँ पर हम चार पार्ट में डिवाइड यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कि चारों पार्ट कौन कौन से आते हैं सर। तो देखती है बिना किसी देरी के यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, चारों पार्ट्स की हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको यहां पर इजिली चैप्टर समझ में आ जाए। अब फोर पार्ट कौन कौन से हैं तो देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट पार्ट आता है कि डिवाइड द फोर पार्ट, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपका आता है यहां पर कि इसमें आपको सबसे पहले चार्ज पढ़ना है, प्लस में करंट पढ़ना है, फिर यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहां पर मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। फिर नंबर टू, यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी आती है पूरा, हम यहां पर क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं और रेजिस्टेंस के साथ में इसकी इस डिपेंडेंसी यहां पर देखने वाला है। साथ में देखिएगा, नंबर थर्ड में बात करूं तो आपका आता है कि सर नंबर थर्ड में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर नंबर थर्ड में सीरीज एंड पैरेलल हम यहां पर देखेंगे। ये थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। और नंबर फोर्थ आपका आता है हीट एंड पावर। नंबर फोर पार्ट है आपका हीट और पावर, ठीक है। तो इन फोर पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करते हैं, जिनमें से आज आपका फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका L1 पार्ट आता है चार्ज एंड करंट के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? भाई सिंपल सी बात है कि जो आपका जो चार्ज मोशन में होता है, गति करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, मूविंग चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। भाई चार्ज फ्लो में है, गति कर रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। तो यानी कि मैं बोलूं सिंपल सी लैंग्वेज में कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, तो यहां पर बोला है ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मूविंग चार्ज। कहने का मतलब है कि भाई यहां पर चार्ज क्या कर रहा है, गति कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, यानी चार्ज क्या कर रहा है, मोशन में है। चार्ज क्या है, मोशन में है चार्ज, तो इसको मैं बोल दूंगा सर ये आपस, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। सर बिल्कुल सही बात है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब देखिएगा कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देखा, तो इसके बाद में करंट के बारे में देखते हैं कि सर करंट की डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिसिटी की तो हमने देख ली, अब देखिएगा करंट की मैं बात करूं तो आपसे करंट की डेफिनेशन आती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर जनरली एक इन्फो, एक डेफिनेशन सभी बोलते हैं कि सर करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बोलते हैं कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई यहां पर क्या, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि सर यहां पर जो चार्ज है वो यहां पर फ्लो कर रहा है। कैसे, यहां पर भाई जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, भाई आप मुझे बताओ कि जैसे ये कोई मग है, ये कोई मग है, ये है आपका मग, मग किससे भरा हुआ है, वाटर से, ठीक है। अब ये वाटर फैल जाता है, वाटर को मैं क्या बोलता हूं, H2O कहता हूं। अब H2O को यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे। अब ये फ्लो करेगा जमीन में, पानी बहेगा, तो कुछ जब फ्लो बहता है तो ये जिसका तो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, तो ये कैसा होगा भाई, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, दोनों बराबर हो गया, यानी कि दोनों का चार्ज कैसा हो गया, जीरो चार्ज हो गया, इसका नेट चार्ज जीरो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये फ्लो कर रहा है भाई, एक तरह से फ्लो कर रहा है। तो भाई यहां पर मिसिंग क्या है, मिसिंग होता है कि सर यहां पर जो आप फ्लो कर रहे हैं उसका चार्ज कैसा है, नेट चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा। तो भाई यहां पर इसकी सही डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन को हमको लिखना नहीं है, याद रखना इस डेफिनेशन को हमको लिखना नहीं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है इसको हमको यूज नहीं करना। लेकिन इसका सही डेफिनेशन क्या होगी सर, तो सही डेफिनेशन ये होगी कि सर द रेट ऑफ
नेट फ्लो डायग्राम, भाई क्या बात है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, भाई क्या बात है, बहुत सही, मतलब यहां पर एकदम बिल्कुल पंडित जी ने एकदम बजे बांध दिए कि सर क्या बात है। अब यहां पर तो पानी फ्लो, पानी बहा, वाटर को हम फ्लो कर रहे हैं, अब फ्लो कर रहे हैं तो एक चीज नजर आती है, द रेट ऑफ नेट चार्ज की बात की जा रही है, यानी कि यहां पर मैं बात करूं तो नेट जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, इसको ही तो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट यहां पर कह रहा हूं, यानी कि द रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं। अब करंट क्या होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी, अब यहां पर आई क्या है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूं, आई को क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है आपका, ये आपका नेट चार्ज होगा, और आई डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी आ जाए वो टाइम पीरियड होता है, टाइम में चेंजेस आपका आता है, उसको डेल्टा टी बोलते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट भी यहां पर साथ साथ ले ले। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, अब एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे मान के चलो कि आपने कोई रोड ली, जैसे आपका कोई भी आपका जैसे मान स्केल ले लिया आपने, प्लास्टिक का ग्लास का स्केल लिया, उसको बालों पे आप रगड़ते हो, तो मान के चलो कि स्केल पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर आपकी सिल्क कॉटन है, मान के चलो कि सिल्क कॉटन है आपने ली, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज है, आप इस पर रगड़ोगे तो चार्ज आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है, तो ये आपका क्या है कि चार्ज का वेरिएशन से चार्ज एक दूसरे पर चले जाते हैं। जैसे मैं मान कर चलो लाइव एग्जांपल की बात करता हूं, लाइव एग्जांपल जैसे मान के चलो यहां पर सर्दियों की मैं बात करता हूं, भाई सर्दियों में चलते घूमने, आप सर्दियों में क्या हो रहा है कि भाई आपने पहन रखी विंटर जैकेट, क्या पहन रखी, विंटर जैकेट, अब ये भाई साहब ये बहुत ही कमाल का आदमी, मैं कैसा आदमी, कमाल का आदमी, अब ये जैकेट फैन के भाई इसने एकदम से जैकेट पहन रखी, बहुत पसीना आ रखे हैं बिल्कुल, अब इसने एकदम से जैकेट को उतार दिया, अब जैकेट को उतार के इसने क्या किया भाई, एक लोहे की छड़ थी, लोहे की छड़ को इसने टच कर लिया, भाई इसने जैसे टच किया तो भाई इसके नॉर्मल, जैसे ही इसने टच किया तो टच करने से इसके नॉर्मल करंट जाग जाता है और करंट इसको फील होता है। आप जब देखते हैं कि भाई आप जब सर्दियों में एकदम से बहुत गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहन के, जैकेट पहन के आते हो तो आप एकदम से उतारते हो, कोई भी लोहे की चीज को टच करते हो तो आपको करंट फील होता है, तो इसी को तो बोलते हैं करंट भाई, इसमें क्या हो रहा है, नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, याद रखिएगा भाई यह करंट में क्या है, नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये आपका एक लाइव एग्जांपल है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बस मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर मैं इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को किससे, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करूंगा बिल्कुल। अब इसमें कॉमन चीज क्या है सर, इसमें कॉमन चीज आती है सर, इसमें आई बराबर क्यू अपॉन टी में कहता हूँ, आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी कि इसकी जब मैं एसआई यूनिट निकालता हूँ तो आई की एसआई यूनिट होती है यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर में फॉर्म में आता है एसआई यूनिट में। अब देखिएगा क्यू की एसआई यूनिट यहाँ पर क्या होती है, कूलाम, और यहाँ पर कैपिटल टी की यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी की एसआई यूनिट होती है सेकंड। अब ऑब्वियसली टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकंड में लेते हैं। अब देखिएगा कॉमन फैक्टर क्या नजर आता है कि सर यहाँ पर एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकंड आता है, क्या, एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट का फॉर्मूला हो जाता है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आता है, जैसे मान के चलो कि एक वायर है, अरे एक वायर है मेरे प्यारे बच्चों, एक वायर है, अब एक वायर में हम क्या कर रहे हैं भाई, एक वायर में दो कूलाम का चार्ज हम फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो कूलाम का चार्ज फ्लो करते हैं, तो क्या होता है, तो देखिएगा ये कितने टाइम में हो रहा है, 2 मिनट में फ्लो हो रहा है, कितना भाई, 2 कूलाम का चार्ज 2 मिनट में फ्लो हो रहा है, हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट यहां पर पूछा है, तो भाई यहां पर आपको पता है आई बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, बिल्कुल सही बात है, तो यहां पर आपको देखना है कि सर यहां पर कूलाम क्या है आपका, क्यू का है, यहां पर 2 आ रहा है सर, टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम आ रहा है 2 मिनट, यानी इसको मैं ये सेकंड में चेंज करता हूं तो आपका 120 सेकंड आता है, तो बिल्कुल देरी किस बात की, तो आई बराबर यहां पर आप लिख सकते हैं सर आपस में यहां पर क्या है आपका 2 अपॉन 120 सेकंड, 2 क्या है आपका क्यू हो गया, डेल्टा टी क्या है यहां पर, तो अब यह आपका आंसर क्या रहेगा भाई सर, यहां पर 1 अपॉन 60 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन एकदम इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा यहां पर नंबर को सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि सर यहां पर डिफाइन 1 एम्पियर करंट, अब यहां पर डिफाइन 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे करोगे, आपसे एग्जाम में मैक्सिमम पूछ लिया जाता है
किसी 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो दिमाग में आइडिया लगाओ कि सर यहां पर हमने पढ़ा था कि सर आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो मान के चलो कि आई क्या है, आई एक ऐसा यूनिट क्या है, आई की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, कूलाम अपॉन सेकंड होती है। जब मैंने माना कि चला कि यार कूलाम बराबर यहां पर क्या है, एक है आपका वन है, कूलाम क्या है आपका ओनली वन है, और यहां पर सेकंड क्या है वन है, तो एम्पियर भी क्या होगा यहां पर वन होगा। तो इस तरह से यहां पर हमने ले लिया कि सर यहां पर क्या हो रहा है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन एम्पियर बराबर वन अपॉन वन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वन एम्पियर यहां पर आ जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू ए बायर फ्रॉम 2 मिनट्स, भाई 2 मिनट के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, भाई टोटल चार्ज फ्लो हमको फाइंड करना है। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं कि भाई यहां पर क्या दे रखा है आपको, 3 एम्पियर यहां पर दे रखा है, आपको पता है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, बिल्कुल सर। तो यहां पर 3 एम्पियर क्या है, तो यहां पर आपको जो एसआई यूनिट का फॉर्मूला है, आपको पता है आई का एसआई क्या है एम्पियर, क्यू का क्या है कूलाम, और टी का क्या है सेकंड। तो क्या हो गया यहां पर, ए बराबर कूलाम अपॉन सेकंड में हम ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात, एकदम बहुत सही बात है सर। अब याद देखिएगा, तो यहां पर 3 एम्पियर आपको दे रखा है इक्वल टू कूलाम, कितना है यहां पर कूलाम नहीं दे रखा है, तो ठीक है बिल्कुल। अब यहां देखना आपको सेकंड कितना, टाइम कितना, 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को मैं लेता हूं सेकंड में, 2 मिनट्स को सेकंड में लिया तो 120 सेकंड हो गया मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम क्या करने के, भाई 120 सेकंड, तो यहां पर मल्टीप्लाई में करता हूं तो कितना आपका आता है कि सर ये 3 एम्पियर है, तो यहां पर आई का 3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सी बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 3 × 120, तो ये आ जाएगा 360 आपका एम्पियर यहां पर आ गया है, 360 कूलाम कितना आ गया, मैं इसको सही लिख देता हूं, इस कूलाम बराबर 360 आपका यहां पर आंसर आ जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं किसके, भाई इलेक्ट्रिसिटी के, इस तरह से क्वेश्चंस हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई अगला क्वेश्चन क्या आता है, पिछला क्वेश्चन को कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर वायर, भाई यहां पर आपसे पूछा है कि जो करंट है कंडक्टर के थ्रू क्यों फ्लो होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर यहां पर क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिल जाते हैं इजीली, ये आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन सही है, भाई क्यों सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते, कंडक्टर कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें कुछ सोलिड यहां पर होता है, लेकिन इसके बीच बीच में क्या होता है कुछ यहां पर खाली स्पेस आपको जगह दिखेगी, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, ये क्या है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नजर आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखने लग जाता है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ द फ्री करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है फ्लोज ऑफ थ्रू द कंडक्टर, यहां पर क्या करंट फ्लो हो रहा है, ये भी याद रखना कि भाई इसके अंदर आपको कॉमन फैक्टर याद रखना है। तो भाई आपका यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है चार्ज एंड करंट, तो यहां पर अगले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो बच्चा हंसते रहो मुस्कुराते रहो, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों को सारे जहान में इसको फैला दो मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू।